नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन एरर, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आंकिक क्वेश्चन जो है वो आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इससे पहले एरर पर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें हमने डेरिवेशन पढ़ी थी कि त्रुटि का संयोजन किस प्रकार से होता है, त्रुटि कितने प्रकार की होती है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको एरर के क्वेश्चन जो होते हैं वो करने कैसे। तो जैसे कि अगर आपको जोड़ और बाकी, यानी कि जोड़ और घटा का जब आएगा क्वेश्चन, उसके अंदर अगर आपको एरर निकालनी हो तब क्या करना है। जैसे कि कोई भौतिक राशि आपको दे दिया ए बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी बराबर दे दिया बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अगर आपको पूछे कि भाई ए प्लस बी निकालो तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी का पूछे, देखो इसके अंदर जो ये मान है वो हमने मापा है, मानो किसी भी वस्तु का जो नाप लिया हमने वो बी आया, ठीक है, और उसके अंदर जो त्रुटि है वो डेल्टा बी आई, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो रहा है। तो देखो जो बी है और ए है ये दोनों क्या है, उसके वास्तविक मान है जो हमने नापे, जो सही सही मान है, और जो इसके पीछे डेल्टा ए और डेल्टा बी है वो क्या है, उनके अंदर त्रुटि है। तो हमको ए प्लस बी अगर पूछे तो क्या करना है, तो जो ए और बी जो ये रियल मान है जो हमने अच्छे से नापे हैं उनको तो जोड़ दोगे, फिर आपको प्लस माइनस लगा के जो त्रुटि है उनको हमको क्या करना है, ऐड कर देना, यानी कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी त्रुटि को जोड़ देना है, समझ गए। फिर देखो अगर आपको पूछे भाई ए माइनस बी निकालो तो क्या करोगे, जो ए और बी है जो रियल जो वास्तविक मान आए हमारे पास इसके अंदर त्रुटि ये है, तो ए माइनस बी में क्या करोगे, ए में से बी घटा दोगे, यानी कि इसमें से बी घटा दोगे, और जो पीछे त्रुटि है उसका क्या करना है, उसको वापस ऐड करना है, यानी कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। जैसे कि आपको बोले ए इज इक्वल टू है 5 प्लस माइनस 0.1 और बी इज इक्वल टू है 3 प्लस माइनस 0.1। अब पूछे भाई ए प्लस बी क्या होगा, तो जो ये मान है ना जो हमने वास्तविकता में नापे, जैसे कि इसका मैंने माप लिया, तो ये वाला जो पूरा मार्कर की जो ये पूरी डिस्टेंस है इतनी वो कितनी आई, 5 आई, लेकिन इसके अंदर जो मेजरमेंट के अंदर थोड़ी सी त्रुटि रहेगी वो कितनी, 0.1 है, और वापस माप लिया तो इसका माप कितना आया, 3, लेकिन त्रुटि कितनी रहेगी, 0.1 की। तो यहाँ पर ए प्लस बी बोले तब क्या करना, 5 और 3 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, यानी ये 8 हो जाएगा, प्लस माइनस लगाओ। फिर जो त्रुटि है उसको मैंने क्या बोला, जोड़ हो या बाकी आपको त्रुटि को क्या करना है, ऐड करना है, 0.1 प्लस 0.1 क्या हो जाएगा, 0.2, ये तो आ गया ए प्लस बी। अब पूछे ए माइनस बी निकालो तो क्या करोगे, ए में से जो बी है इसका जो ये वास्तविक मान है वो तो क्या कर दोगे, घटा दोगे, यानी 5 में से 3 गए पीछे, कितने में से 2, ये हो गए 2, फिर प्लस माइनस लगा के त्रुटि को क्या करना है भाई, ऐड करना है, तो ये होगा 0.2, समझ गए, क्लियर हो रहा है। अब भैया आपको पूछे ये तो जोड़ और घटा के अंदर होगी, अब पूछेंगे भाई गुणा और भाग के अंदर क्या होगा, तो गुणा और भाग के अंदर जो त्रुटि होती है वो किस प्रकार ऐड होती है, तो गुणा और भाग के अंदर जो त्रुटि होगी वही भौतिक राशि हम ले रहे हैं ये ए और बी, ठीक है, तो क्या होगा देखो, तो गुणा और भाग के अंदर क्या होगा, त्रुटि जो ए प्लस माइनस डेल्टा ए है भौतिक राशि कोई भी, तो उसमें जो डेल्टा ए है उसको आप लिख लो फिर बट्टा में ए दे दो, यानी कि इसकी अपेक्षित त्रुटि निकालो। अभी अपेक्षित त्रुटि, परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि ये सब क्या होती है, पहले वीडियो आप वो देखो जो मैंने आई बटन में डाला है, तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसको अपेक्षित त्रुटि के पदों में लिखो, फिर प्लस माइनस लगाओ, फिर इसको अपेक्षित त्रुटि के अंदर लिखो डेल्टा बी अपॉन बी, यानी कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए है तो डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, फिर इन दोनों को क्या कर दो, प्लस माइनस यानी कि ऐड कर दो। अब चाहे गुणा हो या भाग हो आपको क्या करना है, त्रुटि जो होगी गुणा और भाग में वो डेल्टा ए बट्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये होगा इसका संयोजन। अब देखो क्या होगा, अगर आपको गुणा बोले तो क्या करोगे, जो गुणा आएगा ए, जैसे कि इसी का ही ले रहा है मैं एग्जाम्पल, 5 प्लस माइनस 0.1 और 3 प्लस माइनस 0.1, तो इसमें देखो गुणा पूछे तो क्या करोगे, जो ये वास्तविक मान है जो सही सही मान आया है 5 और 3, फिर उसके अंदर जो 0.1 त्रुटि है, तो 5 और 3 का तो क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो कितना हो जाएगा भाई, 5 और 3 15, फिर प्लस माइनस लगाओगे, फिर क्या करोगे, जो ये त्रुटि है इसको
दौड़ में तो जोड़ देते थे दोनों को, बाकी में भी जोड़ देते थे, लेकिन गुणा में क्या करना आपको, जो ये त्रुटि है वो इस रूप में संयोजित होगी, यानी कि आपको 0.1 लिखना है, फिर बट्टा में 5 लिखना है, फिर प्लस माइनस लगा के 0.1 लिखना है, फिर बट्टा में 3 लिखना है। तो इससे जब आप सॉल्यूशन करोगे तो ये कितना आएगा, देखो पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, तो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, जैसे कि इसकी माना, मैं सॉल्यूशन पूरा नहीं कर रहा, माना इसकी वैल्यू आई 0.5, माना ठीक है 0.5 आई, ठीक है। तो जब ये त्रुटि होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी, 15 क्या है इनटू कर दिए 15 आ गए, फिर इसकी त्रुटि किस प्रकार, इस प्रकार संयोजित कर दी, कितना आया 0.5 माना, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब पूछे भाग में क्या होगी, तो भाग में त्रुटि तो सेम प्रकार से संयोजित होगी, समझ गए, क्लियर हो रहा है, त्रुटि तो सेम प्रकार से संयोजित होगी, बट जो वास्तविक मान है, जो सही सही नापा है हमने, उसका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 5 बट्टा हो जाएगा 3, कहां बताऊं, यहां बता रहा हूं, ठीक है 5 बट्टा 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस लगा के त्रुटि कितनी आई 0.5, ठीक है, मैंने माना है 0.5, रियल सॉल्यूशन नहीं किया। तो भाग के अंदर क्या हो जाएगा, 5 में 3 का भाग चला जाएगा जितना भी आएगा, फिर प्लस माइनस त्रुटि इस प्रकार से ऐड हो जाएगी, समझ गए। चलो नोट कर लो, फिर हम इसको मिटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं, चलो नोट कर लो आप। नेक्स्ट आती है प्रतिशत त्रुटि, यानी परसेंटेज एरर है वो किस प्रकार संयोजित होगी, जैसे कि परसेंटेज त्रुटि के अंदर, जैसे कि आपको दे दिया a की पावर n दे दिया, तो इसके अंदर अब त्रुटि जो होगी वो किस प्रकार से संयोजित होगी, तो इसके अंदर क्या करना है, जो पावर लगी है उसको ले लेना आगे, फिर पीछे लगा लेना है अपेक्षित त्रुटि, यानी डेल्टा a अपॉन a। अब जैसे कि आपको दे दिया a की पावर n अपॉन दे दिया b की पावर m, अब कैसे करोगे, तो b की पावर m क्या हो जाएगी भाई, m आगे आ जाएगा, डेल्टा b अपॉन b लिख लेंगे। अब भाई ये दोनों क्या है, भाग में, भाग में त्रुटि किस प्रकार ऐड होती है आपको पता है, क्या होती है, डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। तो ये क्या करने के, भाग में है तो बीच में लगा लो प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगी, पावर के अंदर त्रुटि है वो क्या होती है, पावर आगे आ जाती है, फिर डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा c अपॉन c, जो भी होता है वो होता रहता है अपेक्षित त्रुटि के पदों में। तो ये होता है जो अपनी पावर के अंदर जो त्रुटि होगी वो। अब प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, परसेंटेज एरर होती है वो होती है डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, यानी अपेक्षित त्रुटि इंटू 100 जब करते हैं तब हमारी है परसेंटेज एरर आती है, प्रतिशत त्रुटि। इसी पे ज्यादातर आपको सवाल मिलेंगे बहुत सारे, तो चलो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं, मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपको पहला जो क्वेश्चन है वो मिल रहा है कि यदि x बराबर एक भौतिक राशि x बराबर m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c है, यदि m, l और t के मापन में जो त्रुटि है परसेंटेज है वो अल्फा परसेंट, बीटा परसेंट और गामा परसेंट है, तो भाई x के मापन में त्रुटि है वो क्या होगी। तो इस सवालों को कैसे करना है, तो देखो x बराबर अपना है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। अभी मैंने बताया जब पावर होती है किसी के ऊपर तो पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, तो इसमें पावर क्या है a, a क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, फिर डेल्टा m अपॉन m। इसमें b पावर है, b आगे आ जाएगी, डेल्टा l अपॉन, देखो b पावर आगे आएगी फिर डेल्टा l अपॉन l, इसके अंदर त्रुटि हो जाएगी, फिर इसके t की पावर जो c है उसके अंदर पावर आगे आई, डेल्टा t अपॉन t हो जाएगा। अब देखो ये सब आपस में क्या है, गुणे के अंदर, m l और t जो आपस में है वो क्या है, गुणे के अंदर है, तो गुणे के अंदर त्रुटि किस प्रकार ऐड हुई थी, डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, तो ये हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा c अपॉन c, ठीक है। तो इसके अंदर ये हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, यानी कि जब गुणे में हो या भाग में हो तब तो आपको ऊपर लेके प्लस कर देना है सबको और पावर को ले लेना है आगे। अब यहाँ पर देखो x में जो त्रुटि होगी परसेंटेज एरर इन x वो क्या होगी, अब a इंटू a पड़ा है, अब डेल्टा m अपॉन m कहाँ से लेंगे भाई, हम आपको तो पता ही नहीं m है क्या, तो यहाँ पर डेल्टा m अपॉन m है वो उसको आपको मानना है परसेंटेज त्रुटि इन m, ठीक है, यानी कि डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज एरर आएगी डेल्टा m की, तो जो डेल्टा m की सॉरी m की जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो हमको दे रखी है अल्फा परसेंट, तो डेल्टा m अपॉन m क्या है अल्फा परसेंट है, फिर प्लस माइनस लगाओ, फिर देखो डेल्टा l अपॉन l क्या है b इंटू डेल्टा m l अपॉन l क्या है बीटा परसेंट दे रखा है क्वेश्चन, फिर प्लस माइनस लगाओ c इंटू डेल्टा t अपॉन t क्या है गामा परसेंट, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा
ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा। एक बात और बता दू, जो त्रुटि में हम लिखते हैं ना प्लस माइनस, आप सोच रहे होंगे वह माइनस भी करते हैं प्लस भी करते हैं, तो दो दो आंसर आएंगे। आपको त्रुटि के अंदर हमेशा प्लस का सिंबल ही ध्यान रखना है, माइनस का तो बहुत कम रखना है, माइनस ज्यादातर यूज करना ही नहीं, बस प्लस माइनस ऐसे ही लगाना है, लेकिन जब आंसर लिखो उसमें बीच में प्लस ही करना है, आपको माइनस नहीं करना, ये बात ध्यान रखना, प्लस ही लिखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डेल ए अल्फा बी बीटा और सी गामा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये समझ गए होंगे आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वे हमको दे रखा है जो V इज इक्वल टू है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ठीक है, और R इज इक्वल टू I इज इक्वल टू दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, और हमको निकालना है R इज इक्वल जो होता है प्रतिरोध इज इक्वल टू होता है वोल्ट अपॉन धारा, यानी कि V अपॉन I। तो R के अंदर प्रतिशत त्रुटि क्या होगी वो निकालना। देखो यहाँ पर त्रुटि सही है, पूरा मान नहीं निकालना आर का, भाई आर होगा 10 प्लस माइनस 0.5 ऐसा कुछ, ऐसा नहीं निकालना है, केवल आर के अंदर परसेंटेज त्रुटि निकाले। तो उसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 7%, सी 5.2% एंड डी 10%। तो अब आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वीडियो को पॉज करके फटाफट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ट्राई करोगे तो ही कुछ कर पाओगे। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो V इज इक्वल टू हमको दे रखा है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, एंड I इज इक्वल टू दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। अब इसने पूछा आर के अंदर त्रुटि, देखो आर क्या होता है V अपॉन I। अब आपको पता है दोनों भाग में है, V और I भाग में है, त्रुटि किस प्रकार से ऐड होगी, डेल्टा V अपॉन V प्लस माइनस डेल्टा I अपॉन I, सही है ना, समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ। देखो दोनों भाग में होंगे तो इसको आपको लिखना डेल्टा V अपॉन V, इसको लिखना डेल्टा I अपॉन I, फिर दोनों को कर देना है प्लस, समझ गए। गुणे में होते तो भी यही करते, भाग में है तो भी यही करेंगे, लेकिन जोड़ और बाकी में जोड़ेंगे और बाकी में भी जोड़ेंगे, मतलब रियल मान को घटाएंगे और उस त्रुटि को जोड़ेंगे। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब देखो डेल्टा V अपॉन V क्या है, डेल्टा V ये हो जाएगा, डेल्टा V ये हो जाएगा V, ये I डेल्टा I। तो चलो डेल्टा V क्या है 5, V क्या है 100 प्लस माइनस डेल्टा I अपॉन I, डेल्टा I क्या है 0.2, I क्या है 10। अब यहां से देखो ये पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगाया, ओके, फिर यहां पर लसअप ले लो, 100 आएगा लसअप, फिर ऊपर देखो 5 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, क्लियर हो रहा है। तो अब देखो यहां पर जो हमारी त्रुटि आई है वो 7 अपॉन 100 आई। अब इसने क्या पूछा है आर में प्रतिशत त्रुटि, अब किसी भी चीज का प्रतिशत निकालते तो कैसे निकालते, ये अपेक्षित त्रुटि आई, अपेक्षित त्रुटि इंटू जब 100 करते तो क्या आती है हमारी परसेंटेज एरर, तो इसको कर दो इंटू 100, कितना आएगा 7%। दिख रहा है कहीं ऑप्शन, सर नहीं दिख रहा है, अरे सर बी दिख रहा है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट 7%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप ये छाप लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा। देखो वर्त की जब त्रिज्या होती है उसको जब हम नापते हैं तो उसकी जो एरर आ रही है वो 4% आ रही है, ध्यान से सुनो 4%। तो हमको बताना क्या है भाई, क्षेत्रफल वह परिधि जब हम निकालेंगे उसकी तो उसके अंदर एरर क्या होगी, तो चलो निकालते हैं। तो R के अंदर जो त्रुटि है डेल्टा R अपॉन R, परसेंटेज एरर दे रखी है 4%, जब परसेंटेज एरर दे रखी होती है तो डेल्टा R अपॉन R को 100 से गुणा करके फिर बराबर में लिखना है 4%। अब देखो क्षेत्रफल वह परिधि क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, सही बोला ना मैं, पाई आर स्क्वायर। अब आप सोचोगे यार इसके अंदर जब एरर निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, डेल्टा पाई अपॉन पाई 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, क्या ये करोगे आप, करोगे, अरे भाई साहब जो पाई है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है फिक्स 3.14, ठीक है 3.14 इसकी वैल्यू होती है पाई की। अब ये पाई के अंदर तो कोई त्रुटि होगी नहीं ना, उसकी फिक्स वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो उसके अंदर कोई एरर थोड़ी ना हो सकती। तो इसको आपको क्या कर देना है, छोड़ देना, इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है, इसको आपको ऐड नहीं करना है, छोड़ दो। फिर आर स्क्वायर यानी कि पावर के अंदर त्रुटि क्या होती, पावर आती है आगे, फिर डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अब सोच रहे होंगे यार पहले तो डेल्टा आर अपॉन आर लिख रहे हैं, 100 कहां से है, देखो परसेंटेज एरर दे रखी होती है तो आपको यहाँ 100 लिखना पड़ता है इंटू में, अगर नहीं लिखो तो मन में सोच लिया करो बस 100 है यहाँ पर, चलो मैं लिख ही लेता हूँ। तो देखो 2 इंटू, फिर देखो ये पूरी यहाँ जो ये टर्म्स है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, इसका मान कितना दे रखा है भाई, क्वेश्चन में देख रहा 4%। तो ये हो जाएगी जो क्षेत्रफल के अंदर त्रुटि आएगी, जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम इसका, उसके अंदर जो त्रुटि होगी वो कितनी होगी 8%।
अब पूछ रहा है परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है जल्दी कमेंट में लिखना सभी, 2πr होता है ठीक है। अब देखो 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इसके अंदर एरर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फिर r के अंदर एरर क्या होगी, डेल्टा r / r * 100 परसेंटेज एरर बोल रहा हूं इसलिए 100 लिख रहा हूं ठीक है इनटू में, तो डेल्टा r / r * 100 का मान दे रखा है 4%, तो क्या होगी परिधि के अंदर जो एरर होगी वो कितनी हो जाएगी 4%। समझ रहे हैं कांसेप्ट, क्लियर हो रहा है। इससे भी एक और दो और क्वेश्चन हम करते थे, उसके बाद जो वीडियो है उसको एंड करते हैं क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बन रहा है क्योंकि स्टोरेज बहुत कम है। चलो चाप लो सभी। तो देखो एक नेक्स्ट बहुत अच्छा था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा तो शायद ये एक ही हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। और इस जो एरर पे बहुत सारे क्वेश्चन है वो मैं एक पेज पे लिख के, उसकी जो DPP है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और नहीं हो कोई क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन के नंबर है वो कमेंट में लिख देना और नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। तो चलो x इजिकल टू दे रखा है 2k³l² / m√l, जो k l m n के अंदर जो प्रतिशत त्रुटि है वो 1% 2% 3% है 4% है। तो इस x के अंदर जो त्रुटि है वो क्या होगी, सबसे पहले देखो 2 क्या है कॉन्स्टेंट है, इसके अंदर त्रुटि हो नहीं सकती, छोड़ो। देखो k के ऊपर पावर कितनी है 3, तो 3 पावर के आगे आ जाएगी, फिर लिख लो डेल्टा k / k। अब देखो l स्क्वायर यानी कि पावर कितनी है 2 पावर आगे आ जाएगी, डेल्टा l / l। अब ये दोनों आपस में क्या है गुणे में है, गुणे में त्रुटि किस प्रकार ऐड होती थी, प्लस कर दो बस, तो कर लो प्लस माइनस लिख लो। फिर देखो ऊपर नीचे क्या वापस m, यानी कि m के अंदर कोई पावर तो है नहीं, तो डेल्टा m / m लिख लो। फिर √n को मैं क्या लिख सकता हूँ, n की पावर 1/2 लिख सकता हूँ √n को, तो 1/2 पावर को ले लो आगे, फिर लिख लो डेल्टा n / n। अब देखो ये टर्म्स पूरी, ये टर्म्स क्या है भाग में है, तो इस पूरी देखो ये दोनों आपस में गुणे में है तो क्या हो जाएंगे प्लस माइनस, आपस में गुणे में त्रुटि किस प्रकार ऐड होती थी, डेल्टा a / a + माइनस डेल्टा b / b, तो इस प्रकार ऐड होगी। अब दोनों ये वाली और ये वाली टर्म्स है, जो ये पूरी टर्म्स ये पूरी टर्म्स है क्या है भाग में, भाग में त्रुटि किस प्रकार ऐड होती थी सेम टाइप, तो इसके बीच में भी लगा लो प्लस माइनस, यानी कि आपको करना क्या है गुणा हो चाहे भाग हो आपको त्रुटियों को ऐड करना है ऊपर से नीचे लेके फटाफट प्लस माइनस, मतलब कुल मिला के प्लस ही करना है लेकिन लिखना प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा भाग हो गुणा हो पावर को आगे लेनी है बाकी सबको ऐड कर देना, बस ये ट्रिक है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखो 3 × Δ k / k कितना देगा, यानी कि k के अंदर त्रुटि है 1%, फटाफट ऐसे देखना। अब ऐसे नहीं डेल्टा k कहाँ से लाए k कहाँ से लाए ऐसा कुछ नहीं, डेल्टा k / k की वैल्यू ऐसे क्वेश्चनों में बस ऐसे ही करना है, पहले आपको ऐसे लिख लेना है फिर फटाफट उसके मान रखना है, डेल्टा k / k 1% हो गया, फिर लगाओ प्लस माइनस 2 × Δ l / l क्या है 2% प्लस माइनस, डेल्टा m / m क्या है 3% प्लस माइनस 1/2 गुना डेल्टा n / n क्या है 4% ठीक है। ये हो जाएगा 3 × 3 प्लस माइनस 2 × 2 = 4 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस ये काट दो कितना हो जाएगा 2%। तो अब आप सोच रहे होंगे यार प्लस माइनस से एक बार प्लस लेते एक बार माइनस लेते, जब त्रुटि के ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको सबको आपको जोड़ना है घटाना मत, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आए उसके अंदर आपको केवल जोड़ना है, जोड़ दो भाई 4 × 3 = 7 × 10 = 2 = 12% एरर क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में, एक्स के अंदर जो एरर होगी वो कितनी हो जाएगी 12%, समझ गए कितनी हो जाएगी 12%। तो चलो ये आज था इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसको छाप लो एक बार, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आप छापो। तो ये था आज का लेक्चर, आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चन, अगर नहीं भी आए हैं तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो इसकी और आएगी जिसके अंदर और हम क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकता इसलिए शॉर्ट वीडियो हमने कितने क्वेश्चन किए आज लगभग 4-5 क्वेश्चन किए, तो इसकी DPP भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को दबा देना और आगे शेयर करना भूलना मत। चलो वीडियो को एंड करते हैं, इससे पहले आप एक छाप लो। तो देखो एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूं आपको कि एक घन की भुजा में जो त्रुटि है वो है प्लस माइनस 1% है, तो इसके आयतन की जब हम गणना करेंगे उसके अंदर त्रुटि क्या होगी, ये आप होमवर्क में निकालना और इसका रिप्लाई आप जरूर कमेंट के अंदर लिखना। ऑप्शन देख लो, ए ऑप्शन प्लस माइनस 0.001%, बी प्लस माइनस 1%, सी प्लस माइनस 6% एंड डी प्लस माइनस 3%। तो क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, चलो नोट कर लिया। अब देखो यहाँ पर इसका जो आंसर है आपको कमेंट के अंदर लिखना है जरूर जरूर जरूर,
अगर आपका सही होगा नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम देखेंगे। चलो वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।